कुछ दिनों से हम लोग गोपी प्रेम के विषय में वार्ता कर रहे हैं। एक ऐसा विषय है जो अनिर्वचनीय है। बड़े बड़े रसिक संतों ने भी इस विषय का वर्णन किया है, लेकिन वो कभी भी अपने में पूर्ण हो ही नहीं सकता और ना आज तक कभी हुआ है। ये इतना गूढ़ विषय है और नित्य वर्धमान है, नवायमान है, इसलिए कोई आंखों से देख रहा है, समझ रहा है गोपियों के प्रेम की दशा को, तो भी वो वर्णन कैसे करेगा जब वो प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। किंतु श्री महाराज जी की कृपा से जो कुछ भी मैंने इस विषय में ज्ञान प्राप्त किया उसको ही यथासंभव अधिक से अधिक आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने की मैंने चेष्टा की है। वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक आप लोगों को ठीक लगी, रुचिकर लगी और कहाँ तक आपका लाभ हुआ, वो तो मैं नहीं जानती। किंतु श्री महाराज जी ने जो भी ज्ञान दिया उसको आप लोगों के मध्य शेयर करना ये मेरा कर्तव्य था और मैंने किया। कल ये गोपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम साधारण जीवों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जब हम गोपी प्रेम के विषय में सुनते हैं तो ऐसा लगता ही है ये तो असंभव है, हम लोग तुच्छ जीव इसे कैसे पाएंगे। जब शास्त्र वेद ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा शंकरादिक के लिए दुर्लभ है और तो और महालक्ष्मी के लिए दुर्लभ है, ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तप कर रहे हैं उसको पाने के लिए, तो हम नर पामर के केतिक बाता, हम मायाबद्ध साधारण जीव इस प्रेम को प्राप्त कर लेंगे ये बात कुछ जचती नहीं। किंतु भगवान अकारण करुण है, उसी प्रकार संत जन भी अकारण करुण है और मानव देह इसीलिए देव दुर्लभ कहा जाता है क्योंकि इस देह में हम जो पाना चाहें पा सकते हैं। श्री राधा कृष्ण की कृपा से ही ये गोपी प्रेम कुछ कुछ समझ में आता है और उसकी कोई प्राप्ति कर सकता है। उनकी कृपा से ये मानव देह मिला है, मानव देह में आकर जीव की इतनी पावर हो जाती है कि वो भगवान को अपना दास बना लेता है। हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं या हम भक्त पराधीना, मैं भक्त का पराधीन हूं, दास हूं उनका, अनुभ्रजाम में हम नित्यम पुए ये त्यंगी रेणु भी, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं उनकी चरण रज से नहाने के लिए। मानव देह इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए संतों ने हमको वो रास्ता भी बता दिया जिस पर चलकर हम भी इस गोपी प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उसकी एक कंडीशन ऐसी है जो परमावश्यक है, वो किसी किसी भाग्यशाली जीव को ही प्राप्त कर होती है। वैसे तो कुल मिला के तीन ऐसी कंडीशंस हैं जो किसी भाग्यशाली जीव को भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, वो है मनुष्य देह का पाना और लालसा, भगवान को पाने की, भगवत प्रेम पाने की लालसा हो जाए, ये दोनों भगवत कृपा से होते हैं और महापुरुष संभव ये भी भगवत कृपा से ही पॉसिबल है, और उस पर भी रसिक संत की कृपा प्राप्त हो जाए, एक रसिक संत हमें गुरु रूप में प्राप्त हो जाए,
हमको उंगली पकड़कर चलाए इस रास्ते पर, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो आप सबको प्राप्त हो चुकी है। तो श्री महाराज जी जो रसिक संतों के भी शिरोमणि हैं, उन्होंने आजकल के युग के अनुसार जो स्टेप्स हैं, कैसे कैसे हम गोपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, बहुत सरल ढंग से उस साधना पद्धति को बताया है जिसका हम वर्णन कर चुके हैं, आप लोग सुन चुके हैं। कल आपको यह भी बताया गया कि जब हम साधना करते हैं, क्योंकि हमारा मन माइक है, दोषों से भरा हुआ है, हमारी बुद्धि माइक है, इसलिए हमसे प्रायः बहुत सी गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। हम जान नहीं पाते कि हमने क्या गड़बड़ी कर दी, वो भी आपको बताया गया। और हम क्या क्या ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिससे हमारा मन मलिन होता है। साधना का तात्पर्य, साधना का लक्ष्य तो मन की शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम साधना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काम हमसे हो जाते हैं जिससे हमारा मन और गंदा हो जाता है, उसी को अनर्थ कहते हैं। मैंने आपको वो भी बताया गया कि चार प्रकार के अनर्थ हैं, फिर उन अनर्थ की निवृत्ति पांच प्रकार की वो भी आपको बताई गई, उनसे कैसे निवारण होगा हमारा, क्या साधना, कैसे साधना हम करें, किस प्रकार से हम अनर्थ से बचें, किस प्रकार हम तेजी से अपने रास्ते पर चल सकें, इस विषय में श्री महाराज जी के जो भी आदेश निर्देश हैं उन सभी को कल यहां पर बैठकर दोहराया गया था। हम लोग आज एक और बात करने जा रहे हैं। कल प्रवचन के बाद आप लोगों में से किसी एक साधक ने कहा कि आज का प्रवचन बहुत कठिन था। तो मैंने सोचा शायद विषय बहुत कठिन था या हमारे शब्द बहुत कठिन थे, नहीं समझ में आए होंगे। तो एक दो लोगों से और पूछा, आपका प्रवचन, आज का प्रवचन बड़ा कठिन था क्या? नहीं, प्रवचन तो बड़ा सरल था, बड़ा अच्छा लगा हमें, तो सब समझ में आ गया। तो मैंने उन्हीं से पूछा, भाई तुम्हें क्यों कठिन लगा? तब मालूम पड़ा कि उनको शब्द कठिन नहीं लगे, उनको फिलॉसफी कठिन लगी कि हम चलेंगे कैसे। तो कहने लगी, जो आपने बताया है मार्ग, आज जो बात बताई है कि ये अनर्थ और अनर्थ निवृत्ति इस प्रकार होगी, ऐसे ऐसे हमको साधना करनी पड़ेगी और यहां हम पहुंचेंगे, ऐसा लगता है हमारे लिए तो असंभव है, उसे करना कठिन है। प्रवचन कठिन नहीं है, उसका पालन करना कठिन है, ऐसा हमको लगा। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले भी दे चुकी हूं प्रवचन में, इसी दौरान में, कि कुछ भी प्रारंभ में अगर कोई व्यक्ति जब पहली कक्षा में है और वो आखिरी सबसे ऊंची कक्षा की बात करे तो उसकी पुस्तकों को देखकर, उसके कोर्स को देख के ही घबरा जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम लक्ष्य बनाकर चलते हैं, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तभी से हमारा ये लक्ष्य होता है कि हमको अगले क्लास में जाते जाते और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। जब हम थोड़ा और समझदार हो जाते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि प्रोफेसर बनना है, क्या हमें करना है भविष्य में आके, वो सब भी हम माइंड मेकअप करते जाते हैं और उसी हिसाब से हमारा अध्ययन वगैरह भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हमको प्रेम प्राप्त करना है, और खाली प्रेम नहीं, जो सर्वोच्च अवस्था का प्रेम है, समर्था रति वाला प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, वो प्रेम प्राप्त करना है, एक लक्ष्य हमने बनाया है, तो उसके बाद हमको साधना शुरू कर देनी होगी। हमको जैसे साधना बताई गई है वो तो किसी साधारण जीव के लिए कठिन नहीं है। एक स्थान पर बैठना और बैठकर भगवान का कीर्तन करना, एक दृढ़ निश्चय ही तो चाहिए।
कि हमको एक घंटा या दो घंटा जो भी आपने अपना बनाया है एक घंटे से शुरू करिए। ये एक घंटा तो हमको बैठना ही है, ये क्या असंभव बात है। और आपको ये भी बताया गया कि श्री महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात ये बताई है कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम बैठे हो एक घंटा बैठे, तो तुम्हारा एक घंटे में मुश्किल से एक मिनट रूप ध्यान हुआ तो परेशान होने की बात नहीं है। अरे एक मिनट हुआ तो बहुत बड़ी बात हो गई, तुम्हें प्रसन्न हो जाना चाहिए कि एक घंटे में एक मिनट तो मेरा मन लगा। ये तो ऐसा मन है, माया में इस प्रकार से बंधा हुआ है, लिप्त है इतनी बुरी तरह, इतना अटैच्ड है हमारा माइंड, जिसके लिए कोई शब्द नहीं डिक्शनरी में। ऐसा गंदा मन एक मिनट भगवान में लग गया तो बहुत बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर। आज एक मिनट लगा है, हम और अभ्यास करेंगे, दो मिनट लग जाएगा, पांच मिनट लगने लगेगा, दस मिनट लगने लगेगा, और फिर लगने लग जाएगा। बस हमें निराश होकर छोड़ नहीं देना है, छोड़ना नहीं है। बड़ा अच्छा उदाहरण श्री महाराज जी देते हैं कि जैसे जब एक मदारी किसी बंदर को जंगल से पकड़ के लाता है, अब उसकी तो आदत सारे जंगल में उछल कूद करने की हर समय। अब वो जब मदारी लेकर आता है तो भागना चाहता है कि वो उसी तरह चाहता है कि सारे जंगल में हम भागते फिरें, लेकिन वो 100 फुट की रस्सी बांध देता है तो वो 100 फुट तक तो उछल कूद पाता है, उसके आगे नहीं जा पाता। तो एक दो दिन में समझ जाता है बस इसके आगे मैं नहीं जा सकता, तो आगे जाने की कोशिश ही नहीं करता। फिर वो मदारी वो रस्सी को घटा के 50 फीट की कर देता है, फिर वो तो 100 फीट तक जाना चाहता है, जान जाता है नहीं जा सकेंगे हम, तो 50 फीट के अंदर अपना अभ्यास करने लग जाता है, उसी में अपना उछल कूद करता रहता है। फिर जब देखता है कि इसका अभ्यास हो गया 50 फीट का, तो उसको और घटा के 20 फुट करते करते वो 5 फुट की रस्सी कर देता है, उसमें बंदर नाचता रहता है। इसी प्रकार हमें भी अगर हमने निश्चय कर लिया है दृढ़ कि हमको एक घंटे बैठना ही है, गुरुवार क्या है साधना करने की, एक आज्ञा पालन तो हम करें कम से कम, एक घंटे हमें बैठना है और मन को लगाना है। मन नहीं लगता कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं। शिवाजी जी ने कहा है कि गुरु और भगवान आपके प्रयास से प्रसन्न होते हैं। आपने कितना किया, एक घंटे में आपने आधे घंटे रूप ध्यान बनाया कि पौन घंटे बनाया कि 5 मिनट बनाया, इसके इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां पर इंपॉर्टेंस इस बात की है आपने मेहनत कितनी की, मन लगाने की कोशिश आपने कितनी की। बस इतने पे ही हमको सारे नंबर जब मिलते हैं तो हम साधना तो कर ही सकते हैं। साधना करते करते अगर मान लीजिए हमारी मनोवृत्ति इतनी गंदी है कि हम केवल प्रेम यानी भाव भक्ति के बाद का जो पहला क्लास है प्रेमा भक्ति का, प्रेम अगर हम वहां तक भी पहुंचे तो क्या ये कम है? हम अनादिकाल से 84 लाख में चक्कर लगा रहे हैं और इतने दुखी हो रहे हैं, अनादिकाल से हम दुखी हैं, तो अगर हमको प्रेम भी मिल गया, प्रेमा भक्ति मिल गई, तो ये क्या कम है? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यद्यपि अंतिम लक्ष्य हमको नहीं मिला, भगवत प्राप्ति का जो अंतिम लक्ष्य है गोपी प्रेम, वो नहीं मिला, प्रेम तो मिल गया, भगवान की सेवा तो मिल गई, उनके दर्शन का सौभाग्य तो मिल गया, अब हमको संसार में तो नहीं मरना पड़ेगा, इतना तो हो ही जाएगा ना। लेकिन अगर आप महाराज जी की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और उनके ऊपर विश्वास है तो वो अवश्य हमको ले जाएंगे, कैसे भी अंतिम लक्ष्य तक भी ले जाएंगे। ये हमको अपने मन में विश्वास करके साधना करते रहना है। इसके लिए निराशा
उचित नहीं है। निराशा आई कि पतन शुरू हुआ, निराशा नहीं आने देना है। तो ये मत सोचिए कि हम बहुत, हमारा मन संसार में लिप्त है, गंदा है, तो हम कहां गोपी प्रेम की बात सोच सकते हैं। नहीं नहीं, हमें तो गुरु ऐसे मिल गए, हमारा तो इतना बड़ा सौभाग्य है कि श्री महाराज जी सरीखे रसिक शिरोमणि, हमें गुरु मिल गए हैं। अब तो बस इतना ही काम बाकी है कि उनके उपदेश आदेशों का हम पालन करें। बस ये ठान लें कि हमको करना है पालन। ये मन कैसे नहीं कंट्रोल में आएगा, मन हमारा दास है, हम मन के दास नहीं है। अनादिकाल से हमने मन की दासता की, जो मन ने कहा वो हमने किया। हमारा मन नहीं कर रहा है सत्संग में जाने का तो हम नहीं जाएंगे। आज हमारा मन नहीं कर रहा है सुबह उठ के साधना करें, अभी तो हमें तो नींद आ रही है, हमने सुन लिया मन का। हमेशा सुनते रहे अपने मन की, तो हम को मन ने अपना दास बना दिया। जैसे आप लोगों का अनुभव है कि अगर आप हर बात बच्चे की मानते जाएं, तो वो छोटा सा बच्चा भी माँ बाप को अपना दास बना लेता है, फिर वो वही करवाता है, उसकी जिद की आदत पड़ जाती है, वो वही करवाता है जो उसकी इच्छा होती है और माँ बाप करते हैं, इसलिए वो करवाता जाता है। इसी प्रकार हमारा जो मन है, हमने जो हमारा दास था अनादिकाल से, उसको हमने अपना स्वामी बना लिया, तो हमारी सारी गड़बड़ होने लग गई। तो हमें निराश नहीं होना है, हमको सही रास्ते पर चलना होगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञ होकर। देखिए यही अवसर है, ये जो ये जन्म है हमारा, इसी जन्म में हमारा सबसे बड़ा अवसर है, जबकि हम श्री महाराज जी का आदेश पालन करके अपने लक्ष्य की ओर सही सही अग्रसर हो सकते हैं। अगले जन्म में हमें कुछ याद नहीं होगा कि महाराज जी हमारे कौन थे, कैसे थे, कौन थे। हम उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, चित्रों को देखेंगे, तो हमको लगेगा काश हम भी इनके समय में होते, हम भूल गए चुके होंगे कि हम तो इनके बहुत निकट थे, हमारे ऊपर तो इनकी कृपा बरस रही थी। जितनी उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही थी, उतनी हम लापरवाही करते जा रहे थे। ये सब भूल जाएंगे हम अगले जन्म में। अभी आपको सब याद है, तमाम मेमोरीज है श्री महाराज जी की आपके मस्तिष्क में, तो उसके साथ में हमें तीव्रता से आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम पापी हैं, बड़े बड़े पापियों को भगवान ने तार दिया, केवल रियलाइज कर लेने से, विश्वास कर लेने से। आप लोगों ने सुना था जब मैंने आपको बताया था कि काजी ने पूछा महाप्रभु चैतन्य से, मेरे जैसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है क्या, मैंने कीर्तन नहीं किया केवल यही अपराध नहीं है, कीर्तन करने वालों को सताया है, परेशान किया है, रोका है उनको कीर्तन करने से, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है। और देखिए उसी दिन उसने क्योंकि रियलाइज कर लिया, विश्वास कर लिया महाप्रभु जी के शब्दों के ऊपर, तो उसी दिन उन्होंने उसको हृदय से लगाया और उसका उद्धार कर दिया। जगाई मधाई इतने बड़े पापी, उनका यूं मिनटों में उन्होंने उद्धार कर दिया, तो हम लोग को निराश होने की बात नहीं है। दूसरी बात एक और है कि एक साधक ने यह भी कहा कि आप सुनाते हैं ये लीलाएं गोपियों की, जैसे चीरहरण लीला है, रास लीला है, तो पता है कि वो भगवान है, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो कंपैरिजन आ जाता है। जैसे हम लोग की काम भावना होती है तो हम सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार की लीलाएं की, ये अच्छा नहीं, क्योंकि संसार में कोई ऐसा करता है तो उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वहां पर वासना होती, उसको अच्छा नहीं मानते। तो इसका मतलब ये कि भगवान को ऐसा नहीं, ऐसे चीरहरण लीला को देख के लोग कहते नहीं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, तो अच्छा नहीं है, अच्छा दूसरे ढंग से भी वो कर सकते थे उनके ऊपर कृपा, ऐसी हम बुद्धि लगाते हैं। जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो हम शायद ये भूल जाते हैं कि हमारी, हम ये समझ रहे हैं कि हमारी बुद्धि भगवान से भी बढ़कर है, जो उन्होंने किया वो गलती कर सकते हैं, उनको समझ में नहीं आया,
या हमें क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने उल्टा कुछ गलत फलत कर दिया। हमसे पूछते वो हम बताते उनको, या आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जब भी हम भगवान और महापुरुष के कार्यों में बुद्धि लगाते हैं, बस उस समय हम ये भूल जाते हैं कि ये तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। और फिर रही भगवान की बात, जो घट घट वासी है, भगवान तो सबके भीतर रहते ही हैं, उन्हें बाहर से कुछ चाहिए नहीं होता है। हम लोग की जो भी क्रियाएं होती हैं, संकल्प होते हैं, कुछ पाने के लिए होते हैं। जब हमें कुछ पाना होता है तभी हम कुछ करते हैं। हर कार्य हमारा कुछ पाने के लिए होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नमे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तमेव च कर्मणि। मुझे ना कुछ प्राप्त करना है ना कुछ कमाना है। वो तो जो कुछ करते हैं जीव कल्याण के लिए ही करते हैं। लिंग पुराण में लिखा है, आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही। वो तो आत्मा राम है, पूर्ण काम है, उन्हें कुछ चाहिए थोड़ी। जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, हर चीज के अनंत अखंड, वो उनके पास साम्राज्य है, सब कुछ उनसे ही निकलता है। तो उनको क्या चाहिए होगा, किससे चाहिए होगा और क्यों चाहिए होगा? उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो जो कुछ भी करते हैं वो जीव कल्याण के लिए ही करते हैं, और कोई कारण होता ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि जी उन्होंने जैसे चीरहरण लीला की भगवान श्री कृष्ण, तो उसमें जीव का क्या कल्याण था? वो हर काम जीव कल्याण के लिए करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए करते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि धर्म संस्थापना है संभवामी युगे युगे, तो आता है धर्म की स्थापना के लिए। एक कारण ये है उनका, यही कारण है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी एक कारण है। ये जब जब हो धर्म के हानि, जब जब बहुत धर्म का ह्रास हो जाता है, बहुत असुर पैदा हो जाते हैं, आश्रय वृत्ति के लोग यत्र तत्र बहुत बढ़ जाते हैं, तो भगवान को अवतार लेकर आना पड़ता है सुधार करने के लिए, एक कारण है। तो भगवान की समस्त लीलाएं एक तो आदर्श स्थापन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए होती हैं, और जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं, और कोई पर्पज है ही नहीं। तो जब ये चीरहरण लीला हुई, तो आप लोग पता है कि वो गोपियां जो अपना सर्वस्व पहले से ही श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी, उनका मन सदा सर्वदा श्री कृष्ण में ही रहता था। वो समय जब स्नान कर रही थी, उस समय भी वे श्री कृष्ण का ही गुणगान कर रही थी, श्री कृष्ण की चर्चा कर रही थी। खूब मस्त थी वो लोग, बहुत खुश थी, क्योंकि खूब श्री कृष्ण की चर्चा कर रही थी, गान कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी, वो बहुत प्रसन्न थी वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को उठा लिया, चुरा लिया। वो तो मस्त थी श्री कृष्ण की चर्चा में, उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई मेरे हम लोग के वस्त्र भी उठा ले गया। तो उनको बताने के लिए, देखिए कोई जब चोर चोरी करता है तो चुपके से करता है, उसे पता ना चल जाए। यहाँ क्या हुआ, गोपियों को पता नहीं चला तो पेड़ पे बैठ गए कदम के वृक्ष के ऊपर और मुरली बजाना शुरू कर दिया, इनको पता चल जाए कि मैं आया हूं, और ये ध्यान नहीं कि इनके वस्त्र चोरी हो गए। उन्होंने मुरली बजाई तो गोपियों को लगता है श्री कृष्ण कहीं आसपास ही आ गए, मुरली की आवाज आ रही है। तो देखा तो वो वृक्ष पर बैठे हुए मुरली बजा रहे हैं,
अब निकलने की कोशिश की तो देखा वस्त्र गायब है, अच्छा वस्त्र भी उनके पास में है। तो उन्होंने जब वस्त्र मांगे, ठाकुर जी ने पहले तो ध्यान ही दिया, मस्त हो गए, हमें फुर्सत नहीं तुम लोग की बात सुनने की, वो अपना मुरली बजाते गए। और उसके बाद में गोपियों ने विनती की कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो, हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, अपने जीवन का सर्वस्व तुम्हें मानते हैं, और तुम वस्त्रों को लेकर बैठ गए हो ठाट से। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत देर तक तो उनको ऐसे खिजाया, और उसके बाद उनको कहा कि गोपियों तुम तो मुझे अपना सर्वस्व मानती हो, और उन्होंने पूजा भी की, कात्यायनी का व्रत भी किया, तो भी यही कहा था नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप सुत श्री कृष्ण मेरे पति हो जाए, मेरे प्रियतम बन जाए, मेरा सारा जीवन उनके लिए समर्पित हो जाए, हमारे मन में उनके अलावा कभी और कुछ ना आए, ये सब वरदान मांगा था उन्होंने उनका। जब तो हम तुमने हमें अपना सर्वस्व दे ही दिया है, तो तुमको मेरे तक आने में संकोच क्या है? तो गोपियों का हमें कोई और संकोच नहीं है, तो हमें एक बार हमारे वस्त्र वापस कर दो, तुम जो आज्ञा दोगे, जो कहोगे, हम सब करेंगे, सब कुछ हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमको ऐसे निरावरण होकर, निर्वस्त्र होकर बाहर आने को मत कहो। क्यों? अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तुमसे हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन सारा संसार है, कोई भी देखेगा तो वो क्या कहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी भक्ति इतनी है, तुम्हारा प्रेम हमारे प्रति इतना है, कि तुम्हारा मोह का पर्दा तो पहले ही हट चुका है, मैंने हटा दिया। जिसके अंदर मोह है वो भगवान से कैसे इतना प्यार कर सकता है, वो तो संसार में ही अटैच रहेगा, उसको तो संसार ही प्यारा लगेगा, घूम फिर के वो किसी ना किसी बहाने संसार को ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन गोपियों ने तो जितने प्रकार के संसार के धर्म होते हैं, वो देह धर्म हो, आत्म धर्म हो, कुल धर्म हो, देश धर्म हो, कोई प्रकार का धर्म हो, धैर्य हो, शील हो, लज्जा हो, सब त्याग दिया श्री कृष्ण के लिए। इसका मतलब उनका मोह का पर्दा तो हट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले वो पर्दा तुम्हारा चला गया तो पर्दे में तुम क्यों इतनी आसक्ति कर रही हो, मोह में अभी भी तुमको ये ध्यान है, अभी भी तुमको ये परवाह है कि संसार वाले देखेंगे, संसार वालों की परवाह अब क्यों है तुम्हें, जब तुमने सब छोड़ दिया तो इतना सा एक आवरण तुम नहीं छोड़ पा रही, मेरे कहने पर तुम्हें सोचना ही नहीं था कुछ भी, जैसे थे तुम्हें तुरंत आ जाना था, लेकिन एक आवरण तुमने पकड़ा हुआ है, जरा सा पकड़ा हुआ है। जैसे द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा जब दुशासन उनके वस्त्र को खींच रहा था, लेकिन जरा सी आसक्ति थी शरीर में तो अपने साड़ी के पल्ले को दांत से दबा दिया, श्री कृष्ण नहीं आ पाए, आ ही नहीं पाए वे वहां पर। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हो रहा है, क्योंकि वो भोजन कर रहे थे तो उनका मुंह का जो गुस्सा था वो मुंह में ही रह गया, हाथ वाला हाथ में रह गया, और अवाक होकर बैठे। रुक्मिणी जी ने कहा कौन सी लीला है, कहा मेरे भक्त पर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ है, तो अब जाओ बचाओ, नहीं जा सकता क्योंकि मेरा सिद्धांत है माम एकम शरणम ब्रज। अरे द्रौपदी का भी दांत पर विश्वास है, वो सोच रही है दांत के द्वारा हम अपनी लज्जा को बचा लेंगे। जब दांत का सहारा भी छूट गया और सर्वात्म भाव से समर्पण करके हा नाथ द्वारिका वासिन कह के उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब तुरंत भगवान अम्बरावतार लेकर प्रकट हो गए थे। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि थोड़ा सा ये जो आवरण है इसको भी काट दो, मैं चाहता हूं कि तुम पूर्णतया निरावरण होकर
कोई पर्दा तुम्हारे सामने न रह जाए, किसी प्रकार का व्यवधान न रह जाए, हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ भी आड़ ना रह जाए, इसलिए तुम सर्वा अपने को भी समर्पण कर दो। तुमने अपना सर्वस्व समर्पण किया है, अपने को भी समर्पण कर दो, समर्पण करने वाले को भी समर्पण कर दो। ये बुद्धि ना रह जाए, ये स्मृति ही ना रह जाए कि तुमने कुछ समर्पण किया। ऐसे आओ मेरे पास तो मैं तुम्हें वो प्रेम दूंगा जो तुम्हारी सदा से इच्छा रही, वो महारास वाला अंतिम प्रेम वो तुम्हें मिलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण की ओर गोपियों ने देखा, उनके मुखारविंद पर ममता का भाव था, उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी, और वो इसे आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, ये जीव मेरी शरण में आए और मैं उसको अपने हृदय से लगा लूं, सदा के लिए उसको अपना बना दो। तो गोपियां सब कुछ भूल गई, अपने आप को भी भूल गई, आत्मविस्मृति हो गई, और उन्होंने समर्पण किया, आ गई श्याम सुंदर के पास में, भूल गई अपने आप को। अब जब ये भूल गई, अपने आप को भी भूल गई और अपने का समर्पण भी कर दिया, अब श्री कृष्ण को मर्यादा का रक्षण करना था। गोपियों को तो अब वस्त्र की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उनको अब शरीर का ही भान नहीं रहा, तो वस्त्रों का भान कैसे रहेगा। वो तो श्याम सुंदर में एकमेक हो गई, तादात में उनका तो पूरा का पूरा समर्पण हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को अपने कंधे पर धारण कर लिया था। वो जो वस्त्र है साड़ी या लहंगा, वो कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊर्ध्व अंग पर अपने कंधे पर धारण किया। और फिर गोपियों की का जो अंतास को जागृत किया, उनकी आत्म चेतना को जागृत किया, और उनके वस्त्रों को दिया और कहा अब तुम घर जाओ। गोपियों को वस्त्रों की अब आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनको शास्त्र रक्षण करना था, मर्यादा का पालन करना था, वस्त्र दिए उन्होंने गोपियों को। वही वस्त्र जो साधारण वस्त्र थे गोपियों के लिए, वो आज से उनके लिए महाप्रसादी बन गए। उस वस्त्र के कणकण में वो श्री कृष्ण को ही देखती थी, वो वस्त्र कृष्णमय हो गए, उसको प्रसादी समझ के वो सदा उसको धारण किए रहती थी। अब आप सोचिए, पहली बात तो ये कि पानी में, पानी के अंदर निर्वस्त्र होकर स्नान करना शास्त्र के विरुद्ध है। न नग्नम स्नायात, हमारे शास्त्र कहते हैं पानी के अंदर नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। यानी जैसे कोई पौंड है, नदी है, समुद्र है, या कुएं के अंदर, यानी पानी के अंदर जाके जो स्नान होता है वो वर्जित है नहाना। गोपियां शास्त्र का उल्लंघन कर रही थी, इसलिए उनको दंड देना था। सर्दी का मौसम था, वो ठिठुर रही थी, लेकिन भगवान ने उनको दंड दिया थोड़ी देर की, नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने वस्त्र देकर ये मर्यादा का भी पालन किया और गोपियों का जीवन धन्य कर दिया। तीसरी बात ये, जो ये सोचते हैं, ये कल्पना करते हैं कि ये तो जैसे हम मनुष्यों में काम वासना है, उससे प्रेरित होकर श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की, ये अच्छी लीला नहीं थी, गंदी लीला थी, ऐसे सोचते हैं जो लोग। सोचिए, अगर उनके मन में थोड़ी सी भी कामना होती, पहली बात तो ये कि गोपियां भी ये जानती हैं कि श्री कृष्ण कण कण में व्याप्त हैं, इस पानी में भी व्याप्त हैं, हमारे शरीर में भी व्याप्त हैं, और इतना ही नहीं कि वो पानी में व्याप्त हैं, स्वयं पानी भी वही है, तो उनसे तो किसी का कोई पर्दा हो ही नहीं सकता। और जिनके एक झलक पाने के लिए ब्रह्मा शंकर जनकादिक सनकादिक परमहंस लोग समाधि लगाए बैठे रहते हैं हजारों वर्ष तक, उनको किसी और की कामना होगी क्यों?
कोई तर्कसंगत बात नहीं है। तीसरी बात कि जिसके सामने आत्मसमर्पण पूर्ण आत्मविस्मृति के साथ में आत्मसमर्पण करके गोपियां खड़ी हो, वो ये कहे कि तुम अब एक साल बाद आना, तब तुम्हें हम अपना प्रेम देंगे, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो तो देखकर किसी स्त्री का समर्पण देख के उसकी काम वासना और उद्दीप्त हो जाएगी, वो तो तक्षण संभोग करना चाहेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक साल, एक हफ्ते, ये नहीं कहा कल आ जाना, एक हफ्ते बाद आ जाना, एक महीने बाद आ, एक साल बाद आना तुम, एक साल के बाद हम तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ये सब कुछ देखकर जानकर कि वो स्वयं साक्षात भगवान हैं, सबके अंदर ही बैठे हुए हैं, फिर वो आप्त काम है, उन्हें बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, वो स्वयं जिसको जिसको जहां कहीं भी थोड़ा भी आनंद मिल रहा है वो उन्हीं का अंश है, उनसे ही वो आनंद आ रहा है और कोई दूसरा स्रोत आनंद का है ही नहीं। तो वो आनंद लेने जाएंगे, किसी के आनंद की कामना करेंगे, ये बात एक साधारण व्यक्ति भी तर्क से भी समझ सकता है, ये असंभव है। तो चीरहरण की लीला के विषय में इस प्रकार की कल्पना केवल वही करते हैं जो कि कलमल कलियुग की गंदी बुद्धि से, जिनकी बुद्धि बिल्कुल पंख में कीचड़ में फंस चुकी है, वो सोच ही नहीं पाते कि हम में और भगवान में कितना भारी अंतर है। हम स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं, और भगवान सब कुछ परार्थ के लिए, जीवों के सुख के लिए और जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। कल्याण दो प्रकार से किया उन्होंने इस लीला के द्वारा, एक तो उन गोपियों का प्रेम पूर्ण किया, उनका जो समर्पण था वो अभी तक अधूरा था, सब कुछ समर्पित करके भी अभी अपने को समर्पित नहीं किया था, समर्पण करने वाली बुद्धि का समर्पण नहीं किया था, ये कमी रह गई थी, उसका भी आज समर्पण हो गया। और गोपियों को जो सबसे दुर्लभ महारास है वो उसकी प्राप्ति हुई, उनकी साधना ऊंची थी, वो डिजर्व करती थी, उनको उनका फल मिल गया। और हम लोगों को ये शिक्षा दी कि समर्पण का अर्थ क्या होता है, अगर हमें भी वही चाहिए जो उन गोपियों की इच्छा थी, तो हमें भी आत्मसमर्पण करना होगा, अपने आप का समर्पण ये करना होगा, यहां तक हमें पहुंचना होगा। हम लोग कुछ दान दे देते हैं, जो हमारी सेविंग है उसमें से गुरु की आज्ञा अनुसार, उनके कहने पर, स्वेच्छा से नहीं, उनके कहने पर तुमको इतनी सेवा करनी है, तो हमने जी और कर दिया, तो उसी में हम समझते हैं कि हमने तो बड़ी बड़ा भारी कमाल कर दिया, बहुत सेवा कर दी हमने, तो इतनी सेवा कर दी, उतनी सेवा कर दी, क्या कर दी हमने, धन दिया है, समर्पण तो तुमने धन का किया है, संपत्ति का किया है, तन का किया है, अपना तो नहीं किया ना अभी। असली समर्पण, असली शरणागति तो आत्मनिवेदन है, अपने आप को समर्पित कर देना होता है, वो अभी हमने नहीं किया। इसी प्रकार जो रासलीला के विषय में भी लोगों को शंका होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, पूरे टाइम उनको आनंद दिया, प्रेम दिया, उनका आलिंगन किया, सब प्रकार से हर प्रकार का उन्हें माधुर्य रस प्रदान किया, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कुरु निविस्तनाल नव मनर्म नखाग्रपातै छेल्यावलोक हसतै ब्रज सुंदरी नामोत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। सब प्रकार का सुख दिया, उनका आलिंगन भी किया, उनका श्रृंगार भी किया, हर प्रकार से उनको सब प्रकार से तृप्त किया उन्होंने। ये हम लोग सुनते पढ़ते हैं
तो भी हम अपनी अपने स्तर पर लाके उनकी तुलना करने लग जाते हैं। ये हमारा नितांत भोलापन। कभी एक क्षण के लिए भी इस प्रकार का विचार लाना ये बहुत बड़ा नामापराध है। भगवान की लीलाओं में हस्तक्षेप करना, भगवान की लीलाओं में दुर्बुद्धि करना, ये बहुत बड़ा नामापराध है। वो तो भगवान श्री कृष्ण, अगर आप शास्त्रों को पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, तो भगवान तो ब्रज में केवल 11 वर्ष की उम्र में रहे थे, तो 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने रास किया था और चीरहरण लीला उन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में किया था। यानी ये दोनों लीलाएं बाल्यावस्था में हुई है। 10 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने रास की थी और गोपियां तो सब बड़ी थी, उनके साथ रास कैसे किया, रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भ को प्रतिबिंब बिंबय। जैसे छोटा सा बच्चा अपने परछाई के साथ खेलता है, जैसे जैसे परछाई करती जाती है वैसे वैसे वो भी हाथ अपने हाथ पैर चलाता है, नाचता है, बच्चा करता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने क्योंकि गोपियों को देना था प्रेम, तो पहले उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार, पहले तो उनके मन में काम वासना को, प्रेम की भावना को प्रकट किया। एक बात मैं आपको यहीं पर बता दूं, क्योंकि काम शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, ये काम शब्द कोई गंदा शब्द नहीं है। जो गोपियों का प्रेम है परम निष्काम प्रेम, प्रेमैव गोप रावणाम काम इत्यगमत प्रथाम, जो गोपियों का प्रेम है इसको, इसका ही नाम काम था। काम शब्द का अर्थ होता है गोपियों का परम निष्काम प्रेम। अब क्योंकि जो कुछ भगवान करते हैं, महापुरुष करते हैं, वो हम लोग भी करने लग जाते हैं, लेकिन हमारा मन तो माइक है, हमारे कार्य माइक होते हैं, हमारे काम जितने भी होते हैं स्वार्थ की भावना से, अपने सुख की भावना से होते हैं, तो हम उसी उनकी लीलाओं को अपना अपने ऊपर वो करके जब करते हैं तो उसमें मालिन्य आ जाता है, गंदापन आ जाता है, तो हम समझते हैं। तो हम इस प्रकार से काम शब्द संसार में धीरे धीरे प्रयोग होने लगा। ये काम शब्द का अर्थ वासना नहीं है, इंद्रियों की वासना का नाम काम नहीं है, निष्काम प्रेम का नाम काम है असली। जैसे कुशल शब्द, जो बच्चे पहले गुरु लोग सवेरे के टाइम यज्ञ आदि करते थे तो कुश लेके आना पड़ता है। कुश एक ऐसी घास होती है, बड़ी शार्प होती है, तो बिना हाथ को में चोट लगे जो बड़ी अच्छी से चतुरता के साथ में कुश को तोड़ के ले आता था उसको कुशल कहते थे, कुशम लात इति कुशला। अरे वो किसी भी चीज में कोई एक्सपर्ट हो तो उसको कुशल कह दिया जाता है, ये गाने में कुशल है, ये बजाने में कुशल है, ये बोलने में कुशल है। इसी प्रकार से ये काम शब्द भी बाद में वासना के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, किंतु काम शब्द का वास्तविक अर्थ है गोपी प्रेम, प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। तो जब भगवान श्री कृष्ण पहले उन्होंने वो दिव्य भावना उनके अंदर उत्पन्न की, बैठ कर उनके अंतःकरण में बैठ के, अब जब गोपियां उस भावना से युक्त होकर नृत्य करने लगी, गाने लगी, भांति भांति के हाव भाव प्रदर्शित करने लगी, ये सब जब होने लगा तो जैसे जैसे गोपियां चाहती थी, यानी जिस तरह की उनकी भावना थी वैसे ही वो एक्शन करती गई, और जैसे जैसे गोपियां एक्शन करती गई वैसे वैसे भगवान भी उनके साथ साथ में उसी प्रकार के एक्शन, उनको उसी प्रकार का सुख देने लग गए। इसलिए जो स्वयं भगवान को, श्री कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कहते हैं, संसार में तमाम योगी होते हैं, उन सब योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको योगेश कहते हैं, और जो समस्त योगेश्वरों में भी श्रेष्ठ हैं उनको योगेश्वर कहते हैं, वो है शंकर जी। और उनसे भी बड़े जो योगी हैं, सबसे बड़े योगी हैं, वो योगेश्वरेश्वर कहलाते हैं,
भगवान श्री कृष्ण वो योगेश्वर हैं। तरणी जातट कुंज विहारिणु ललित गोपवधु पटहारिणम सकल योग कला समलंकृतं मुरभिदं प्रणमामि रमापतिं। सकल योग कला समलंकृतं, ये श्री कृष्ण समस्त योगों की कला से समलंकृत हैं, यानी ऐसी कोई योग नहीं है। योग माने मन का कंट्रोल, ऐसा कोई योग नहीं जो श्री कृष्ण जिसके अध्यक्ष ना हो। समस्त योग की कलाएं श्री कृष्ण से निसृत होती हैं। तो जो योगी हैं उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा किसी बात का। ये महात्मा लोग होते हैं जिनकी साधना बहुत ऊंची हो जाती है। आपने अभी मैंने कल ही बताया था हरिदास जी, उनके पास में वैश्या भेजी गई, सारे दिन वो बैठी रहती थी, नृत्य करती थी, गाती थी, मन को लुभाने की चेष्टा करती थी, तो उनके मन को लुभा नहीं पाई। तो श्री कृष्ण को कोई अपने हाव भाव के द्वारा, अपने प्रेम के एक्शंस के द्वारा उनको लुभा लेगा, ऐसा तो कोई भी मुंह से मुख व्यक्ति भी सोच नहीं सकता। तो हमें ये शंकाएं कभी उनके प्रति होनी ही नहीं चाहिए। और कभी हमारा माइक मन है, गलत सोचता है, कभी इस प्रकार की भावना आ भी जाए तो तुरंत अपने को धिक्कारना चाहिए और तत्त्व ज्ञान के द्वारा हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि हम किससे और किसकी तुलना कर रहे हैं। इस संसार का जो प्रेम है, जिसको हम प्रेम कह देते हैं, ये प्रेम है ही नहीं, ये तो वासना है। यानी अब इसी को ये संसारिक प्रेम का नाम काम या वासना कह देते हैं। और ये पूरी तरह इंद्रिय सुख पर आधारित है, अपने अपने सुख के लिए है वो, जबकि प्रेम तो परम शुद्ध, इससे बढ़कर शुद्ध कुछ है ही नहीं। ये तो दिव्य शक्ति का नाम प्रेम है, और ये दिव्य मन में ही ठहर सकता है, किसी साधारण मनुष्य में प्रेम आ ही नहीं सकता। ईश्वर प्राप्ति के एक क्षण पहले भी किसी को प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम दिव्य है। हमारा मन माइक है, इसलिए महाप्रभु चैतन्य ने कहा थे, कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम तो घोर अंधकार युक्त है और प्रेम की तुलना निर्मल भास्कर, अत्यंत प्रकाशमान, जहां पर अंधकार गंध भी नहीं हो सकती, वो सूर्य के समान है वो। अतएव काम में प्रेम में बहुत अंतर, बहुत अंतर है। देखिए ये जो काम है, ये एक विष मिश्रित मधु की तरह है। मधु माने शहद, मीठा होता है शहद, उसको देखकर किसी का भी मन ललचा जाएगा कि हाँ भाई मीठा, इसको इसका पान करें, शहद को पान करें हम, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें विष मिश्रित है। शहद के समान, विष मिश्रित शहद के समान काम है, जो वासनात्मक काम है जीवों का, और जो प्रेम है ये दिव्य अमृत है। अब अंतर क्या है दोनों में, वो मधु है, विष मिश्रित मधु है और ये अमृत है। तो संसार का जो सामान है, संसार का जो सुख है, वो लुभावना है। संसार की चीजों को देखकर, किसी भी अच्छी चीज को हम देखते हैं, किसी के पास बड़ा धन है, वो बहुत बड़ा उसका मकान है, अरे इसका तो भाई मकान बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, काश हमारे पास भी ऐसा मकान होता। अब वो कोशिश में लग गया कि हम भी बड़ा मकान ले लें,
उसको नहीं पता कि जिसने बड़ा मकान लिया या जिसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। वो तुम्हारे सामने बहुत दुखी है, तुम्हें पता ही नहीं इस बात का। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो रोज कमाता है, रोज खाता है, कितना बढ़िया उसका जीवन है। जहां जगह मिलती है सो जाता है, फुटपाथ पे भी खर्राटे लेके सोता है, और बड़े बड़े धनवान लोग स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि जितना बड़ा उनका व्यापार है उतने बड़े उनके ऊपर सर पे मुसीबतें भी हैं, उनसे उन्हें झेलना है। कब वो बैंकरप्ट हो जाएंगे उन्हें पता नहीं। इतने बड़े बड़े धनवान लोग परेशान हैं दिन रात, तो हम लोग को पता नहीं चलता। हम ऊपर के चमक को देखकर समझते हैं वाह इसमें बड़ा सुख है। जैसे स्वर्ग के विषय में ही लोग जब बताते हैं, अरे वहां पर तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, आपने जो सोचा रसगुल्ला आ रसगुल्ला सामने आ गया, कुछ भी आपने कामना बनाई वो आपके सामने है, नृत्य प्रारंभ हो तमाम अवसराए आ गई और नृत्य प्रारंभ हो गया, कुछ करना वरना नहीं पड़ता, और सब प्रकार का जो तुम्हारी इच्छा हो हर प्रकार का आनंद वही सामने सामने मिल जाता है। तो ये सब सुन के हम ललचा जाते हैं। या मीमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंते विपश्चितः, गीता में लिखा है कि पुष्पिताम वाचम, ये पुष्पित फ्लावरी लैंग्वेज है वेदों की, बड़ा सुख है बड़ा सुख है। अरे तो उसके सामने संसार का सुख तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम संसार के ही सुख को देख कर ललचा जाते हैं, संसार वालों का ही सुख देख के हमारे मुंह में पानी आता है कि अरे ऐसा हमारे पास भी होता, अरे वो तो बड़ा सुंदर है, ये चीज तो बहुत बड़ी है, तो हम कामनाएं बनाते रहते हैं कि इसमें हमें सुख मिल जाएगा। कहां कहां से लोग दूसरे देशों से, अमेरिका कनाडा से ताजमहल देखने जा रहे हैं, क्यों? अरे सुना है बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, एक बार उसको देखना तो चाहिए। आप देखने गए, इतने पैसे खर्च करके, इतनी मेहनत करके, इतनी दूर वहां पर गए, कितनी देर देखा आपने? 15-20 मिनट। फिर आप कहते हैं कुछ और दिखाओ, भी हो गया। अरे आप अमेरिका से चले आ रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, आधे घंटे 2 घंटे तो देखो, आप क्या देखें, देख लिया। अब दोबारा कोई कहे कि चलो हम तुम्हें टिकट दे रहे हैं चलो इंडिया ताजमहल देखने, तो कहना हमें नहीं देखना, हो गया बस, बहुत ज्यादा। अरे संसार का जो सुख है ये देखने में लगता है कि बड़ा भारी सुख है इसमें, लेकिन ये विषमिश्रित है। जितना जितना हमको प्रॉपर्टी मिलती जाती है, लालच उतना उतना बढ़ता जाता है, उतना ही लालच, जितने अधिक होगी इतना बस, अरे हाँ इतना, अब इतना बैंक बैलेंस और हो जाए, बस बस इतना हो जाए, फिर कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए। पहले आप छोटे से मकान में रहते थे, 2 कमरे के मकान में, तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं थे। आपने थोड़ा बड़ा मकान लिया, अब भी आप सेटिस्फाइड नहीं, अब और बड़ा मकान है, अब भी आप सेटिस्फाइड नहीं, अब बहुत बड़ा मकान ले लिया, आप सेटिस्फाइड है ना? डिससेटिस्फेक्शन जो का क्यों बना हुआ है? धन बढ़ता जा रहा है, साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन ज्यों का त्यों है, उसमें कोई अंतर नहीं। प्रॉब्लम सब ज्यों की त्यों है, कोई अंतर नहीं है। ये विष मिश्रित मधु है। और जो भगवत प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, ये तो दिव्य अमृत है। अमृत माने जो कभी समाप्त नहीं होता, मरता नहीं है। अमृत शब्द के वैसे तो कई अर्थ होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया पयसोमृतम, वो तो दूध को ही अमृत बता देते हैं, दूध ये अमृत है। और कभी मुक्ति को भी अमृत बताया गया है, और भगवान को भी, अमृतस्य वही पुत्र, हम लोग भगवान के पुत्र हैं, भगवान को भी अमृत बताया गया है। तो जब नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में अमृत शब्द का प्रयोग किया प्रेम के लिए, अमृतस्य रूपाचा, उसका मतलब था भगवान, यानी ये जो प्रेम है ये तो भगवत स्वरूप है। जिसने इस प्रेम को प्राप्त कर लिया, उसका तन मन सब कुछ श्री कृष्ण मय हो जाता है,
वह कुछ देखता ही सुनता नहीं, उसे और किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हर समय वही उनका ध्यान, जैसे गोपियों को था। यादो हने वहनने मथनो पले पप्रें खेंख नार्व रुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो सुकंठो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। जब से वो गाय को दूर रही हैं, तभी से श्री कृष्ण का चिंतन शुरू उनका हो गया। गाय को मैं दूह रही हूँ, फिर मैं दूध गर्म करूंगी, उसका दही जमाऊंगी, मक्खन बनाऊंगी, कल शायद श्याम सुंदर हमारे घर पे आ जाए मक्खन चुराने, कल मैं दही बेचने जाऊंगी, क्या पता मेरा ही रास्ता रोकने आ जाए, मेरा दही लूटने आ जाए, तो मैं खूब अच्छा सा बनाऊंगी, मीठा दही बनाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट दही बनाऊंगी, ताकि उनको खा के बड़ा आनंद आए। वो तब से ही चिंतन शुरू हो गया। उनके पास बच्चे हैं, अपने हाथ में बच्चों को लिए हैं, वो उनको उनका दुलार कर रही हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को देख ही नहीं रही, उनका तो श्री कृष्ण का ही चिंतन हो रहा है, बच्चों में श्री कृष्ण को ही देख रही हैं, घर को साफ कर रही हैं, गोबर से लीप रही हैं, इसलिए क्या पता आज कन्हैया इधर आ जाए, कहीं छोटा सा भी एक छोटा सा कंकड़ पड़ा होगा, उनके चरण तो बहुत कोमल है, उसमें कष्ट हो जाएगा, तो अच्छे से साफ कर दूं मैं। खाना बना रही हैं तो उनका ध्यान, दही बेचने जा रही हैं उनका ध्यान, हर समय ये प्रेम ऐसा अमृत है, दिव्य अमृत है, और ये कभी समाप्त नहीं होता। देखिए जो काम है इसका लक्ष्य क्या है, काम जो भी हम कामना बनाते हैं, हमारी पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों की कोई सी भी हमारी कामना बनती है, क्यों, इंद्रियों के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, और कोई लक्ष्य नहीं। हम कुछ देखने जा रहे हैं तो हमारे आंखों को सुख मिले, हम कुछ सुनने जा रहे हैं हमको सुख मिले उससे, इसलिए हम सुनने जा रहे हैं। आप सुनने गए, बड़ा भारी कोई म्यूजिशियन आया हुआ है, आपको पता है छोड़ो हटाओ चलो घर, हमें तो कोई मजा नहीं आया है, आप चाहते हैं हमारे कान को सुख मिले, यानी जिस इंद्रिय के सुख के लिए आप आगे बढ़ते हैं, आप चाहते हैं आपकी इंद्रियों को सुख मिले, ये लक्ष्य होता है काम का। लेकिन प्रेम का लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण का सुख, वो इंद्रियों के सुख के लिए प्रेम नहीं करता कोई, श्री कृष्ण के सुख के लिए गोपियां प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। इतना भारी अंतर है काम और प्रेम में। ये जो काम है ये आत्म तृप्ति, इसका परिणाम क्या है, जब हम कोई विषय ग्रहण करते हैं तो उसका क्या है कि हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाए, आपने कुछ अच्छा देखा, हाँ अच्छा लगा, सेटिस्फैक्शन मिल गया, आत्म तृप्ति, कुछ खाया हाँ बहुत अच्छा था, सेटिस्फैक्शन हो गया, आत्म तृप्ति। और प्रेम में क्या होता है, आत्म तृप्ति नहीं आत्म विस्मृति, उसमें भूल जाता है व्यक्ति अपने को भी, अपने कृष्णमय हो जाता है, एकमेक हो जाता है। और दूसरी बात, ये तो उसकी आत्म विस्मृति हो जाती है, और ये जो काम है इसकी इच्छा, जितना हम किसी विषय का सेवन करते हैं उसकी इच्छा और बलवती हो जाती है। लेकिन जब जब हम अपनी कामना की पूर्ति करते हैं, जब जब हम कोई विषय अपनी इंद्रियों को देते हैं, तो बहुत जल्दी हमारी तृप्ति हो जाती है। तृप्ति के लिए ही तो हम करते हैं कि हमको सेटिस्फैक्शन मिले, हमें तृप्ति हो जाए, हमें तृप्ति हो जाती है। लेकिन प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती। प्यारी जू को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। जितना जितना हम श्याम सुंदर एवं श्री राधा रानी के रूप का या किसी भी गुण का सेवन करते हैं, उस उनके गुणों का को हम आनंद लेते हैं, हमारी प्यास उतनी बढ़ती जाती है। प्रेम में तृप्ति नहीं होती, प्यास बढ़ती ही जाती है। लेकिन जो काम है उसमें तृप्ति भी हो जाती है थोड़ी देर में, और अंत में उसमें दुख मिलता है, अंततः दुख। हर विषय के सेवन में अंत में दुख होता है,
अंत दुखकारी, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। जैसे आपके मन में भावना है कि हम विवाह कर लें, या आपको एकाएक बहुत बड़ी धनराशि मिल गई, आपको बेटे की प्राप्ति हो गई, तो आप समझते हैं वाह क्या भगवान की कृपा हुई हमारे ऊपर, बड़ा सुख मिल गया, अरे हमारी तो 10 मिलियन की लॉटरी निकल आई, बहुत खुश हैं आप। ये नहीं पता ये अब आपके ऊपर कितना बड़ा दुख आने जा रहा है। अब आपको एकाएक जो 10 मिलियन मिल गए तो आप परेशान रहेंगे, इसका क्या करें, कहाँ रखें, इसमें इसको कहाँ खर्च करें, ये बिजनेस शुरू करें कहीं ऐसा ना हो इसमें लॉस हो जाए, ये बिजनेस शुरू करें कहीं ऐसा ना हो जाए, ये काम करें कहीं ऐसा ना हो जाए, और कहीं खर्च कर रहे हैं घाटा हो गया कभी कुछ, यानी अब 99 का चक्कर शुरू हो गया, उसको बढ़ाने का चक्कर शुरू हो गया, उसको खर्च कैसे करें ये परेशानी आ गई, किसी ने चुरा लिया तो और मुसीबत आ गई, और ज्यादा दुखी हो गए, नष्ट हो गया, किसी प्रकार से दुखी हो रहे हैं। कोई भी सामान हमको अगर मिलता है किसी भी इंद्रिय के सुख का, तो हमको दुख तो उसमें मिलता ही है, हम उसी दुख को सुख मान लेते हैं, ये हमारा अज्ञान है। लेकिन प्रेम में चाहे जितना प्रेम मिलता जाए, कभी भी उसमें दुख नहीं, उसका आनंद दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। इतना भारी अंतर है काम और प्रेम में। काम में जिनका काम है, यानी जिनका सेल्फिश प्रेम है, अटैचमेंट है, किसी लाभ के आशा में अटैचमेंट होता है, जहां कहीं भी जिसका भी अटैचमेंट है, वो चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, अथवा माँ बाप हो, कोई भी हो, जिनका भी कहीं भी अटैचमेंट है, तो कुछ लाभ की आशा में है। वो लाभ खत्म तो बस प्रेम भी खत्म। लेकिन प्रेम की विशेषता क्या है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, वो कभी भी नष्ट तो क्या कम भी नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है काम खंड है प्रेम अखंड है, यानी जो हमारा प्रेम संसार वाला है वो तो कभी भी टूट जाएगा किसी भी समय। अगर दोनों की कोई भी बात नहीं मिली, आपको कोई सुख की आशा है, दूसरी पार्टी से वो नहीं मिल रहा है, तो आपका प्रेम घटते घटते खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, यहाँ तक कि माइनस डिग्री में चलने लग जाता है, द्वेष हो जाता है, एक दूसरे को मार डालने की प्लानिंग होने लग जाती है, यहाँ तक होता है, मार डालते हैं लोग, यहाँ तक भी हो जाता है। ये संसार का प्रेम ऐसा है। लेकिन ये जो ईश्वरीय प्रेम है एक अखंड है, ये कभी भी टूटता नहीं। अगर संसार में दो लोग निभा भी ले जाएं, सारी जिंदगी प्रेम को निभाते भी जाएं, तो मरने के बाद तो खत्म हो ही जाता है। लेकिन ये ईश्वरीय प्रेम ऐसा है जो मरने के बाद भी खंडित नहीं होता। महाराज जी एक बड़ा अच्छा शेर इस विषय में सुनाते हैं कि वो भक्त जब बहुत ज्यादा विरह में परेशान हो गया तो उसने भगवान से कहा कि अब तुम आ भी जाओ तो कोई फायदा नहीं है, अब तो बस मेरी मृत्यु ही का मुझे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम आ गए, अगर तुम यहां नहीं आए, अगर तुम यहां नहीं आए तो गम में जान जाएगी, इस सोच के ही मर जाऊंगा कि मेरे प्रीतम मुझे मिले नहीं, इस जन्म में जन्म बेकार गया मेरा, मुझे प्रीतम के दर्शन हुए नहीं। और अगर तुम आ गए और अगर तुम अब आ जाओ, एकदम प्रकट भी हो जाओ, तो भी खुशी में जान जाएगी, इतनी तुम्हारी प्रतीक्षा की है मैंने, खुशी के मारे कि आ गए प्रियतम, तो मेरी खुशी में जान निकल जाएगी, तो अब तो जान जानी है। तो भगवान ने कहा नहीं, मेरे आने न आने से जो तेरी जान जाएगी, मेरे आने न आने से जो तेरी जान जाएगी, मोहब्बत मौत की भी मौत बनकर फिर जिलाएगी। इतनी बड़ी पावर है उसके अंदर कि मौत की भी मौत बनकर फिर जिलाएगी, वो तो मरने नहीं देगी तुमको।
इसीलिए श्री राधा ने गोपियों से यही कहा था कि अब मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं जीवित रहूंगी, श्याम सुंदर तो अभी तक नहीं आए, तो हे गोपियों अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को तुम लोग ना तो पानी में बहाना और ना ही इसको जलाना और ना ही इसको जमीन के अंदर गाड़ देना। तो फिर क्या करेंगे? ये तमाल ले डाले, ये जो तमाल वृक्ष है, तमाल का एक वृक्ष होता है जिसके पत्ते नीले होते हैं और श्री कृष्ण उसी के नीचे खड़े होके मुरली बजाते थे, वो उनका प्रिय वृक्ष था। तो श्री राधा रानी ने कहा कि इसी तमाल के वृक्ष में मेरे शरीर को बांध देना, नहीं तो फिर मृत शरीर को पेड़ में बांध देने से फायदा क्या होगा? तो उनका नहीं, बहुत बड़ा फायदा होगा। क्यों? तो कभी तो आएंगे, कब आसे वृंदावने, अरे 500 वर्ष में, 1000 वर्ष में, 10000 वर्ष में कभी तो आएंगे, तो उससे क्या होगा? तो परण पाए हम प्रिया दर्शन, ये श्याम सुंदर के प्रीतम के दर्शन करके ये मृत शरीर में फिर जीवित हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। यानी प्रेम में इतनी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है इस प्रेम में। ये काम जो संसार के वासना वाला प्रेम है, इसमें तो ऐसा नहीं होता। अगर पति चला जाए, मर जाए, तो शुरू शुरू में स्त्री खूब रोती है धोती है, थोड़ा दो चार दिन में थोड़ा रोना धोना कम हो जाता है, एक आध महीने में बिल्कुल कम हो जाता है, फिर भूल जाती है, फिर याद भी नहीं आता, फिर कभी कोई वस्तु देखी तो याद आ गई पति की या जो भी मर गया है उसकी, बस। लेकिन ये प्रेम ऐसा है कि मरने के बाद भी श्री राधा रानी ने कहा, पंचत्वम तनुरे तुभूत निवहा स्वांशे विशंतु स्फुटम धातारम प्रणिपत्ते हंत शेषा तत्रापि आचे वरम तद्वापि शुपयस्पदी मुकुरे ज्योतिष्पदी आंगनभ्योम निभ्योम तदीय वर्तमनि धरा तत्ताल विंते निलह। अगर मैं मर जाऊं तो मैं, एक मेरी इच्छा है क्या कि अब मरने के बाद तो मेरे शरीर के पंच जो पांचों तत्व हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मेरे शरीर के पांचों तत्व मेरे मरने के बाद भी तुम्हारी सेवा में लग जाएं, श्री कृष्ण की सेवा में। कैसे? तद्वापि शुपयस, जो मेरे शरीर का जल तत्व है वो उस सरोवर में, उस पानी में जाके मिल जाए जहां मेरे प्रियतम श्याम सुंदर नित्य स्नान करते हैं, विहार करते हैं, और मेरे शरीर का तेज उस दर्पण में, उस शीशे में मिल जाए जिसमें वो श्रृंगार करने के बाद अपने रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, मगन होते हैं, अपने ऊपर ही रीझ जाते हैं। जब वो अपने दर्पण में अपने ही मुखारविंद को देखते हैं श्री कृष्ण, तो अपने रूप के ऊपर रीझ जाते हैं, क्या उनकी अनुपम शोभा होती है, क्या दिव्य झांकी होती है। तो जिस दर्पण में अपना मुख देखते हैं श्रृंगार करने के बाद, उस दर्पण में मेरे शरीर का तेज मिल जाए, और ज्योतिष तदी आंगन, और जो मेरे शरीर का अग्नि तत्व है वो उस स्थान पर जाकर मिल जाए जहां पर वे गर्मी को धारण करने के लिए कभी जब उनको ठंड लगती है तो सेवन करते हैं, और मेरे शरीर का पवन तत्व उस स्थान पर मिल जाए जहां पर वो ठंडी हवा लेने के लिए विचरण करते हैं, पंखे द्वारा जिस हवा को वो ग्रहण करते हैं उस हवा में मेरा ये वायु तत्व मिल जाए, और जिस मांग में मैं वो नित्य विहार करते हैं वहां पर मेरा आकाश तत्व मिल जाए। ये श्री राधा रानी मरने के बाद भी उनका प्रत्येक शरीर का जो एक एक
अंश है वो श्री कृष्ण की सेवा करता रहे, ये उनकी धारणा, ये उनका प्रेम है। ऐसा प्रेम संसार में नहीं हुआ करता। यहां पर तो जैसे ही किसी की मृत्यु हुई, चाहे वो कितना ही प्रिय क्यों ना हो, घर के कहें बेग ही काढ़ो, भूत बने पुनी खाइए, जल्दी निकालो इसको, ये भूत बन जाएगा, परेशान करेगा हम लोगों को, भूत बन के निकालो इसको जल्दी से जल्दी। ये होता है संसार में, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम अमृत है, वो सदा रहता है। तो काम और प्रेम में बहुत भारी ये अंतर है। ये जो आप लोगों को आज तक जितनी भी बातें मैंने गोपी प्रेम के संबंध में जो भी आवश्यक थी मैंने आप लोगों को बताई हैं, यदि इस विषय में, क्योंकि आज इस प्रकरण का आखिरी दिन है, इस विषय में यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं।